हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखो, हम लोग पिछली क्लास में दशमलव का भाग और उनका रूपांतरण यानी उनका कन्वर्जन सीख रहे थे। क्या आप सभी को याद आ रहा है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। अगर याद आ रहा है तो वाई टाइप करिए। ना ऐसे नहीं, बाकी सारे बच्चे भी करिए, सिर्फ एक बच्चे के टाइप करने से नहीं होगा, है ना? यस, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, है ना, ताकि आप सभी इसको समझ सके। तो दशमलव का भाग क्या था? जैसे कि मान लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 65/10, है ना, 65/10 लिखा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो बच्चों, आपको ये देखना चाहिए कि इसमें जो भाग दिया जा रहा है, तो ये 10 हो सकता है, 20, 30, 25, सॉरी 10, 100, 1000, है ना। हालांकि इसके अलावा भी संख्याएं हो सकती हैं, तो उनको तो हम लोग नॉर्मली तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो इनको, है ना, एक ही लाइन में डिवाइड करने का तरीका होता है। क्या है वो तरीका, देखिएगा। जितने भी अंक होते हैं जीरो के, उतने अंक हम पीछे जाते हैं। आप 10 में देखो तो 10 में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है, तो जब एक जीरो है तो एक अंक पीछे चले जाएंगे, तो आपका उत्तर आने लगेगा बेटा 6.5। क्या आप सभी को समझ में आया? देखो, राहुल का करेक्ट आंसर है, यस। यस सर। बाकी बच्चे भी बताइए। बाकी बच्चे भी बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, और बच्चों मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 3.2 है, और इसको आप भिन्न में बदलो, इसका जस्ट उल्टा, तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से 3.2 लिख करके बोला गया कि बताओ कि इसका भिन्न रूप कितना होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बेटा, आपको 10 से गुणा और 10 से भाग करना चाहिए। आखिर 10 करना चाहिए क्योंकि आपको ये गिनना चाहिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर बेटा यही सवाल ऐसे ही होता, 3.27, तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना बेटा, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक है, तो आपको 100 से गुणा करना चाहिए था और 100 से भाग करना चाहिए था। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? यस सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो 10 का गुणा और 10 का भाग मैंने कर दिया, अब समझिएगा। तो जब आपने इस तरीके से 10 का गुणा 10 का भाग किया, तो ये 3.2 से 32 हो जाएगा बच्चों, 32। और नीचे की तरफ 10 तो लिखा ही हुआ है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ 10 तो लिखा ही हुआ है। अब इसको और हल करने की कोशिश करिए। आप इसको 2 से भाग करिए, तो 2 पचे 10, और इसको 2 से भाग दीजिए, तो 16 दूनी 32। तो बच्चों आपका 16, क्या हेलो। बच्चों, है सर आपकी तरह से बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था आप सभी से कि ऊपर वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार का चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी सूचना, ठीक है बेटा? एक जरूरी सूचना। जरूरी सूचना क्या है कि बेटा, मंगलवार से, ठीक है, मंगलवार से आप सभी की रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा। क्या सारे बच्चों को मालूम है? यस सर। ओके बेटा, यस तो सर। मैं जल्दी से इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ कि देखो बेटा, हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो हम लोग ने जितना भी मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ताकि जो आपका सेट वाला एग्जाम
जो आ रहा है उसमें आप अपना नंबर बेहतरीन ला सके, है ना, बेहतरीन नंबर ला सके, और इसके लिए रिवीजन वाली क्लास की जा रही है। ठीक है बेटा, ये कब से हो रहा है? मंगलवार से हो रहा है। ठीक है, मंगलवार से हो रहा है, यानी कि 12 जुलाई से। ठीक है बेटा, 12 जुलाई से। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, तो क्या सारे बच्चे एक्साइटेड हैं इस वाली क्लास के लिए, रिवीजन वाली क्लास के लिए? यस सर। ओके, यस। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को सीखेंगे। आप लोग क्लास में जरूर आइएगा, है ना, मंगलवार से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है इसमें आप जरूर से जरूर आइएगा। आपकी अटेंडेंस भी इसमें मैटर करती है, अटेंडेंस को भी काउंट किया जाएगा, और आप यकीन मानिए बहुत कुछ सीखेंगे, है ना, इस रिवीजन वाली क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो सर मैं मंगलवार वाली क्लास में नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ बेटा? सर मैं मंगलवार वाली क्लास में नहीं आ पाऊंगी। रीजन? सर शादी में जाना है। बेटा शादी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी, शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से। सर टाइम मिल गया तो कर लूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। बेटा देखो, अगर टाइम मिलेगा तो आराम से आप 7 बजे आ जाना, 8 बजे तक क्लास करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बच्चों, और लगभग 10 सेकंड के बाद पोल को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ये सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। तो बच्चों मैंने पोल को भी ऑन कर दिया है, ठीक है। सवाल है क्या, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आप सभी के लिए। तो सवाल है बेटा 93.67, और इसका मल्टीप्लाई कराया जा रहा है 1000। ठीक है बेटा, यही है क्वेश्चन आपका। सारे बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। सर जी कर दिया। करेक्ट आंसर है बेटा ओम हंस, करेक्ट आंसर। बच्चों ध्यान से करिए, एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत हो गया, है ना, एकदम ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत करिए बच्चों, जल्दबाजी मत करिए। सर कर दिया। बेटा गलत कर दिया आपने, बेटा ये क्या हो रहा है? 4 बच्चों का आंसर आया है, चारों बच्चों का अलग, 4 बच्चों ने कुल आंसर किया है, एक ने ए को चूज किया है, दूसरे ने बी को, तीसरे ने सी को, और चौथे ने डी को। ठीक है, आखिर सही केवल एक ही होगा ना बेटा, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चों। यानी कि बड़ा लेट से आ रहे हो तुम क्लास में। बच्चों बात सर मैंने कर दिया। आपका ठीक है बेटा, और सिर्फ आपका ही ठीक है, बाकी तो किसी का ठीक ही नहीं है, केवल एक बच्चे का सही है, और अच्छा 2 बच्चों का करेक्ट हो गया। क्या
बहुत सही, बहुत बढ़िया। दो बच्चों का करेक्ट है और चार बच्चों का गलत है, बताओ ये कोई स्कोर होता है बेटा? ऐसे स्कोर थोड़ी होता है, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात। दो बच्चे का करेक्ट आंसर है, चार बच्चों का इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी बताइए बच्चों, बाकी लोग भी बताइए, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए बेटा। अगर किसी का कुछ डाउट है तो माइक ऑन कर दीजिए, आप पूछ लीजिए हमसे अपना डाउट। अगर किसी का कुछ डाउट है तो बेटा माइक ऑन कर लीजिए, आप पूछ लीजिए अपना डाउट। सर एक और बार बताना। बेटा अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो बच्चों, मैंने अब चैट को ऑन कर दिया और पोल को बंद कर दिया, तो देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों का गलत था, है ना? तो देखो करना क्या था बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 93.76 और आपको गुणा कराना है 1000 से, यानी कि 1000 से। तो आप ये देखो कि इस 1000 में, यानी कि 1000 में कितने जीरो हैं। तो बच्चों इसमें कितने जीरो हैं? सर थ्री जी थ्री जीरो, तीन ठीक है, तीन जीरो हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व इस प्रकार से करना चाहिए था कि जो दशमलव है ना, ये जो दशमलव लिखा हुआ है, इसको आप तीन अंकों तक आगे ले जाइए। देखिए, एक दो और तीन, यानी दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो बेटा यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, आखिर वहां पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। बताइए बच्चों ऐसा है, होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद बताइए। जी होगा। एक सेकेंड का, तो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ था, मैं थोड़ा सा रेड कलर से बनाया था। देखो दशमलव यहाँ लगा हुआ था, एक अंक, दो अंक और ये तीसरा अंक, ठीक है? तो आपको भी सर दशमलव तो दिए गए आंसर में है ही नहीं, तो बेटा जब अंत में दशमलव लगता है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो जब हटा सकते हैं तो चलिए मैं हटा देता हूँ। बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 93,670, यानी कि बी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ यस में आया? क्या सारे यस बच्चों को? सर आ बाकी गया। लोग बताइए, बाकी लोग। यस सर आ गया सर जी आ गया। बच्चों इसी प्रकार का एक और सवाल देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 48.317 × 100, इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? चैट में लिख करके बताइए, चैट में बेटा, चैट में लिख करके बताइए। 48.317 है और इसका गुणा 100 से कराया जा रहा है, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं बेटा गलत है, नरेश कुमार के नाम से जो बच्ची है गलत उत्तर दे रही हैं आप। बाकी जो बच्चे हैं उसको सही करने का प्रयास करिए, जो बाकी बच्चे हैं। राहुल का भी गलत हो गया है ना, राहुल का भी गलत हो गया। नरेश कुमार के नाम से जो बच्ची थी उनका तो गलत है। चलो बेटा मैं फिर से सिखाता हूँ, ठीक है? दरअसल आप देखो ध्यान से, यहाँ पे दो जीरो है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं बेटा? बेटा आप लोग तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे दो जीरो है, तो जब दो जीरो है तो आपको दो अंकों तक, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो दो जीरो है तो यहाँ पे दो अंकों तक आपको आगे जाना चाहिए दशमलव को लेकर के। देखिएगा, एक अंक और ये दूसरा अंक, यानी दशमलव बेटा यहाँ लगेगा एक के बाद, तो आपका उत्तर आएगा 48.31। अब दशमलव लगाइए, अब आपका ये आंसर होगा। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर आ गया। सब्जी मेरा ठीक था। समझ में। हाँ, ओम हंस का ठीक है, ठीक है, ओम हंस का ठीक है, बहुत बढ़िया।
सुरेश के नाम से एक बच्चा है, उनका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरेश के नाम से एक बच्चा, उनका भी ठीक है। सुरेश आपका नाम क्या है बेटा? सुरेश के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? सलोनी नाम है, बहुत बढ़िया सलोनी, बहुत बढ़िया। बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे ना आप सभी लोग? चलो हेडिंग लगाओ, ऑपरेशन ऑन डेसिमल। ठीक है बच्चों, दशमलव पर संक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। दशमलव पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। लगा दी क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? सर। एक मिनट यस रुक सर, जाओ लगा दी। सर, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ठीक है, यस सर, मैं लगा दी। लगा ली सर जी, लगा ली। अब इस वाले हेडिंग को लगाइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि देखो बेटा, जो आपका ऑपरेशन होता है वो चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का कौन सा? कौन सा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाओ, फिर गुणा और लगा ली भाग। तो पहले हम लोग जोड़ और घटाओ सीखेंगे। ओके बच्चों, तो करेंगे कैसे? देखो बेटा, होता क्या है ना कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको एक सीध में लिखते हैं दशमलव के रूप में। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4.37, और इसको जोड़ना है बेटा आपको 1.5 से। तो जानते हैं उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? तो आप इसको देखो, दशमलव के एकदम जस्ट नीचे लिखोगे। देखो इसका वाला दशमलव यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 1.5 बना दो, 5 को इधर लिखना ठीक पड़ेगा और 1 तो बेटा इधर रहेगा ही रहेगा। तो हमेशा जो अगली वाली संख्या जोड़ने के लिए लिखते हैं, दशमलव के एक सीध में लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों का दशमलव एक सीध में होना चाहिए। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया बेटा? सर, यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, आप कहोगे सर यहाँ 5 के आगे तो खाली है, इसका क्या करें सर? तो बेटा अगर 5 के आगे खाली है या किसी भी संख्या की तरह आगे खाली इस तरीके से रहेगा, तो उसको 0 से भर दीजिएगा, 0 से फिल कर दीजिएगा, यानी 0 वहां पे लिख लीजिएगा। क्या ये भी आपको बात समझ में आ गई? यस सर, ओके बेटा, अब ध्यान, यस सर, अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो 7 में 0 जोड़िए, 7 में 0 जोड़ने पे कितना आता है बच्चों? सर आता आता है, बहुत सात बढ़िया। 5 में 3 जोड़िए, 5 में 3 जोड़ने पे कितना आता है? आठ क्या 8 8 आता है, बहुत सही, पॉइंट फाइव बहुत सही। अब देखो बेटा ये यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव यहाँ पहले बना दीजिए आप। अब फाइव देखो हाँ, 4 और 5, 5.87 तो आपका उत्तर बनेगा 5.87। नहीं बेटा, इसको कभी भी 87 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 5.87। 87 यस सर, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, यस ओके सर, ओके। अब यस मैं सर, आप सभी को एक सवाल देता हूँ, इस सवाल को करके मुझे दिखाइए। चलिए बच्चों, इस सवाल को करके दिखाइए मुझे। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए इसको, सारे बच्चे इसको अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, यस सर, हाँ बाकी लोग भी सॉल्व करिए बेटा। सर जी 9.12 9.12 सर, 9.12, 9.12 जी, 9.12 आएगा जी। पक्का बेटा, पक्का? सर नहीं, एक बार देखना सर। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं नरेश कुमार के नाम से जो बच्ची है या जो बच्चा है, आपने गलत कर दिया है। आपने 9.9.112 लिखा है क्या? नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, नहीं सर, 8.112 हाँ तो वो गलत कर दिया आपने, एकदम गलत कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ। सर, साक्षी का ठीक है 9.12। हाँ, 9.12 ठीक है।
देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, मेरी बात समझिएगा। देखो सात और पांच को जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तो सात और पांच जोड़ने पे कितना आता है? 12 सर। 12। तो 12 को आप 2 लिखना और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। अब बेटा 6 और 4 को ऐड करिए, 6 और 4 कितना होता है? बस। और ठीक हाँ, और यहाँ, अरे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, आप लोग कैसे कर रहे थे, आप लोग कैसे कर रहे थे? अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ने पे बेटा कितना होगा? 10 और 1 कितना होगा? सर 11 ग्यारह। और 11 ग्यारह को आप पूरा 11 नहीं लिखते हैं, तो नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है आप ध्यान से देखिए, सिर्फ 1 लिखेंगे। तो आप कहोगे सर जो अगला वाला 1 है 11 का वो कहाँ जाएगा? तो बेटा वह कैरी हो जाएगा। कैरी का मतलब है हासिल, हासिल समझते हो आप? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। एक मिनट रुक जाना। ठीक है अब देखो बेटा, 7 और 1 जोड़ दीजिए। 7 और 1 जोड़ने पे क्या आता है? सर 8 आता है। आठ 8 आता है और सर हासिल, कैरी हाँ 1 हासिल यानी 1 कैरी। कितना हो जाएगा 8 से 9? नो 9। अजो दशमलव है सर बेटा, 9 हाँ अजो दशमलव है, उसको 1 सीध में लिख दीजिए सबको। हो। हाँ 9.12 अरे बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे? ओ पापा बेटा इसको क्या पढ़ेंगे? सर 9.12 बहुत शानदार बहुत शानदार, 9.12 पढ़ेंगे या फिर 9.12 पढ़ेंगे। चलो बच्चों अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, देखिए वही वाला सवाल का आंसर आया है। ठीक है चलिए, अब बच्चों मान लेते हैं घटाना है, तो 4.28 माइनस करना है आपको 0.2 को। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 सीध में रखेंगे। तो बच्चों आप क्या ऐसे लिखोगे, हमको ये बताओ आप क्या ऐसे लिखोगे? नो नो सर, ये ए के बहुत नीचे शानदार जीरो है आ ना, जाएगी। ये लिखने का तरीका गलत है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आप लोग को मैं सिखा सकूं कि जो दशमलव होता है वो सेम ही है ना, सेम ही दशमलव के नीचे लिखा जाता है। अब बच्चों ध्यान से, सर 4.0 हाँ अच्छा एक बात और, है देखो देखो मैंने ग्रीन कलर से 0 बढ़ाया है, तो बच्चों आप लोग भी बढ़ा दीजिएगा जब भी नहीं लिखा रहेगा, तो जब भी नहीं लिखा रहेगा तो 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दीजिएगा। अब 8 में से, ठीक है बच्चों 8 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा? सर 8 ही आएगा सर 8 आएगा। 2 में से 2 को घटाइए, कितना आएगा? बहुत जीरो सर शानदार, जीरो 10 को लिखना पड़ेगा। 4 चार में 0 को सर घटाइए, तो चार सर चार आपका उत्तर बनेगा 4 4.08। आपका उत्तर बनेगा सर जी। 4.08। हाँ पूछिए, कुछ डाउट है क्या बच्चों? कुछ सर जी 0 लिखो या ना लिखो अपनी मुखोक्ति है ना। नो सर हाँ अगर देखो, लेकिन देखो बेटा वो भी एक मतलब है कि अगर लिखो या ना लिखो तो मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बीच में होगा तो जरूर लिखना। देखो यहाँ पे बीच में 0 है, तो इस टाइप की चीजों को जरूर लिखना, लेकिन अगर बाहर की तरफ रहेगा है ना तो उसको मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़ना घटाना अगर एक सीध में करना चाहते हो तो एक सीध में आपको लिख देना चाहिए। अरे समझ में आया? सर ये ठीक है ना ओके सर। सर, ये वाला सवाल ठीक है ना। हाँ ठीक है, बट यही थोड़ा अंधेरा है, मैं बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत अंधेरा। ये 408 है, ये अच्छा नहीं ठीक है, ओके बच्चों ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी वही सेम आंसर आया है जो हम लोगों ने देखा, 4.08। तो बच्चों अब मैं एक सवाल दूं, आप सब सभी लोग करोगे? यस सर तो देखो यस बेटा सर यहाँ पे क्वेश्चन है 15.78 और इसको जोड़ना है बच्चों 23.59 के साथ में, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। हाँ निकेत बिल्कुल अलग है। चलो बेटा इस सवाल का आंसर करिए आप, अनिकेत पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इन सब बातों को भूल करके। सर 39.37 सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तब तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको बताना है इसको पोल सेक्शन में, ओके
और अगर ऐसे कर दोगे तो चीटिंग हो जाएगी। सर पोल सेक्शन चलो बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। साक्षी के नाम से एक बच्ची है बेटा, कुछ पूछना चाहती हो आप? नो सर। ओके सर कर दिया। ओके सर हो गया। बाकी लोग भी बताइए बेटा। देखो चार बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है, चार सर बच्चों हो गया। हाँ चार बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए, किसी बच्चे का गलत है ही नहीं सर भी बेटा। ये राज सिंह के नाम से जो, सर ये ऐसे कौन सर बता रहे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो राज सिंह के नाम से बच्चा है, अगर आपने ये हरकत दोबारा की तो मैं क्लास से बेटा बाहर करूंगा आपको। क्योंकि क्लास में जब भी पोल चलता है, मैंने हमेशा सिखाया हुआ है कि आपको आंसर सिर्फ पोल में ही देना है, ना तो माइक ऑन करके बताना है, ना तो कैमरा ऑन करके दिखाना है। आगे से ध्यान रखिएगा, राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है। ओके सर सॉरी। यस, क्योंकि बेटा इससे चीटिंग होने की संभावना होती है ना, और मान लो अगर आपका आंसर गलत है तो बाकी बच्चे भी आंसर गलत देने लगेंगे, ये भी दिख। यस सर जी हो जाता है। योगिता के नाम से जो बच्चा है, क्या बोल रहे हो बेटा? मेरा पोल सेक्शन ऑन नहीं हो रहा। आपका पोल सेक्शन नहीं ऑन हो रहा है? अच्छा बेटा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप चैट में आंसर कर देना अगर पोल नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है? सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। अभी हाँ, अभी नहीं, अभी मैं ऑन करूंगा कुछ समय बाद। यस बच्चों, पांच बच्चों ने आंसर किया हुआ है, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? तो जिन्होंने भी नहीं किया है आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए, जल्दी से जाइए बच्चों। ओके, 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है ना, 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर सात कर दो। यस सर तो सात यस सर। सात बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूं। बंद कर देती है। नरेश के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप कैमरा और माइक हमेशा बंद रखेंगे, ठीक है? यस। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। यहां पे आपको 15.78 को जोड़ना था 23.59 के साथ में। तो बच्चों 9 और 8 कितना होता है? तो 9 और 8 17 होता है। 17 को आप 7 लिखोगे और 1 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। 7 और 5 12 बेटा, माइक मत ऑन करिए। 7 और 5 12 होता है और 1 कैरी था, तो 13 हो जाएगा। तो 13 को बेटा आप यहाँ पे 3 लिखोगे और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। कोई बात नहीं, दशमलव आप यहाँ पे लिख दीजिए और 1 कैरी यहाँ पे रहेगा रहेगा। 5 और 3 8 होता है और 1 कैरी था, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे।
और दो और एक बेटा तीन होता है तो यहाँ पे तीन। तो 39.37 आएगा, यानी कि करेक्ट वाला आंसर जो होगा बेटा वो बी वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, ओके बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए इस वाले सवाल को करके दिखाइए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं पहले इस वाले सवाल को समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि सारे बच्चे समझ करके तब जाके आंसर करें। देखो बेटा यहाँ पे एक मजदूर है, ठीक है, मजदूर आप समझते होंगे जो कि काम करते हैं और इस काम के बदले इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये मजदूर है बेचारा यहाँ पे और ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने पहले दिन काम किया तो इसको मिला 85 रुपए 25 पैसे, फिर दूसरे दिन काम किया तो इसको मिला 72 रुपए 50 पैसे, और बेटा तीसरे दिन काम किया इस बंदे ने तो इसको मिला 46 रुपए 25 पैसे। तो आपको बताना कि इन तीनों ही दिनों में इसने कुल कितने रुपए कमाए, यानी आपको इस तीनों ही रुपयों को जोड़ देना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया सवाल क्या बोल रहा है? सर, यस सर, यस सर, सर इसको कॉपी में कर लें। हाँ, इसको पहले कॉपी में कर लीजिए, फिर आप इसका आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है सर। हाँ अनिकेत कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। सर मेरा सर डाउट ये था, जो सर इन दोनों को सर प्लस करना है, हाँ, वो फिर इन दोनों के जो प्लस करने के बाद आंसर आएगा उसको इस सबसे लास्ट वाले के साथ प्लस करना है, नीचे वाला जो। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप बता रहे हो, जैसे कि सर दो को प्लस करके फिर तीसरे को प्लस कर दे, या फिर सबसे बेहतर तरीका निकेत बता दे हम, सबसे बेहतर तरीका दो। हाँ सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि डायरेक्टली आप तीनों को जोड़ दीजिए। ओके सर, ओके बेटा। सर मैंने निकाल लिया आंसर। अच्छा आपने निकाल लिया, बाकी लोग को भी निकालने दीजिए, फिर 5 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन कर देंगे। 5 सेकंड सर पोल ऑन कर, ठीक है बेटा मैं पोल ऑन कर देता हूँ। चलो बेटा मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। सर कर दिया मैंने बच्चों, मैंने हाँ मैंने पोल ऑन कर दिया, कर दिया मैंने। बहुत लाजवाब, तीन बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे का गलत हो गया जस्ट अभी। तीन बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत। सर मेरा पोल सेक्शन और नहीं हो रहा बेटा, वही तो दिक्कत है, बाकी लोगों का हो जा रहा है आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप चैट सेक्शन में आंसर आएगा। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, योगिता के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? सर जी गौरव, गौरव। गौरव अभी को हम क्या समझाए थे? कोई नहीं सर, गलती होगी आपसे से नहीं करेंगे। बेटा बार बार सेम गलती मत करिए, अदरवाइज एक बार अगर मैंने एंट्री हटा दी ना तो आप क्लास को ज्वाइन तक नहीं कर सकते हैं बेटा। क्या सर हम ये बोल रहे हैं कि माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर भी करूंगा और ऐसा बाहर करूंगा कि आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। यस सर, यस। तो 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत हो गया, ठीक है। सारे बच्चे पोल में आंसर चूज करिए, 6 बच्चों का सही है, एक का गलत। बच्चों 10 सेकंड और, अच्छा ठीक है अभी और बच्चे कर रहे हैं क्या? अच्छा करने दीजिए, ठीक है सर, बहुत सर हो गया। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, 7 बच्चों का करेक्ट सर, मेरा सर हो गया। बच्चों 7 बच्चों का करेक्ट हो गया, मैं कर दिया। 8 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही, मैंने भी कर लिया, हो गया सर, ठीक है ठीक है, हो गया सर। हाँ चलो बढ़िया है बढ़िया, 8 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत। ओके बेटा बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। बेटा अभी भी एक बच्चा रह जाता है जिन्होंने आंसर नहीं किया है,
जो बच्चा रह गया है जल्दी से आंसर करें। सर मैंने कर दिया हूँ, मैं आपके नाम का। हाँ हाँ करेक्ट है, तो कुल 9 बच्चों का करेक्ट है और 1 बच्चे का गलत है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत ही प्यारा काम रहा आप सभी का इस वाले सवाल को हल करने के लिए। आप लोग अब इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। और बेटा अपनी कॉपी भी चेक कराइए, चलिए चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। यस, तो साक्षी का करेक्ट आंसर है, साक्षी के नाम से जो बच्ची है, बहुत बढ़िया। सर देखना एक बार। हाँ, नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आपका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और कौन कॉपी चेक कराएगा? राज सिंह के नाम से एक बच्ची है, इनका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोकेश कुमार के नाम से बच्चा, आप दिखाओ अपनी कॉपी लोकेश। योगिता के नाम से जो बच्चा है, आप अपनी कॉपी दिखाओ। जी दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ, कॉपी दिखाओ बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, बाकी बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। अरे बेटा लोकेश, हाँ जो लोकेश के नाम से बच्चा, सर कॉपी में भी सॉल्व करना था। हाँ बिल्कुल, आपने कॉपी में नहीं किया अनिकेत? सर ये जो आपने स्क्रीन पर लगा रखा सर, मैंने इसमें करा था, मेरे को पता नहीं था कि कॉपी में करना है। नहीं बेटा इसको आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है सर जी। फिर इसका स्क्रीन सर मैं फिर कर लूंगा, अब कॉपी में सॉल्व कर दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कॉपी में ही सॉल्व करिए और इसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। और जब मैं आपकी स्कूल पर आऊंगा, जब मैं आपकी स्कूल पे आऊंगा तो आपकी कॉपी भी चेक करूंगा। ओके बच्चों? ओके सर। ओके चलो अब मैं इस सवाल को समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं इस सवाल को समझा देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों। सर बहुत आसान है ये। हाँ बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, ठीक है चलो। सर 5 और 5 10। हाँ 5 और 5 को जोड़ करके 10 लिख देंगे। तो बेटा सर एक कैरी। हाँ एक सेकंड रुकिएगा, माइक मत ऑन करिए, माइक मत ऑन करिए। तो 5 और 5 10 यानी कि 1 हासिल हो जाएगा। 5 2 7 2 9, 9 और 1 10 होता है बेटा। तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, फिर से 1 हासिल हो गया, 1 कैरी हो गया। दशमलव लगा दीजिए क्योंकि एक ही सीट में दशमलव लगाते हैं। 5 और 2 7 7 36 13 और 1 14 है। हाँ 14 को 4 लिखेंगे बेटा, हासिल अभी भी 1 ही लगेगा। फिर 8 7 15 15 4 19 19 और 1 हासिल था, 20 आएगा, 20। यानी कि 204 आपका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्यों बच्चों, है कि नहीं? यस सर। ओके बेटा चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करा देता हूँ और अगला वाला सवाल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है सवाल, यहाँ पे सवाल है बेटा 82.4 में से माइनस करना है 7.81। जी करते हैं। हाँ सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। जो पोल को 10 सेकंड के बाद ऑन कर दिया जाएगा, जो पोल है आपका वो 10 सेकंड के बाद ऑन कर। हाँ क्या बोल रहे हो आप? नरेश कुमार, नरेश नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। नरेश कुमार के नाम से दोबारा बोलने का प्रयास करिए। नहीं बेटा फिर से देखो, अगर आप आंसर बता रहे हो तब तो मत ही बताओ, अगर पूछ रहे हो कुछ तो पूछ लो। लेकिन हाँ आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है तो मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। जी मेरे को कुछ डाउट हो रखा है। हाँ बताइए जी। इस रकम में जी आगे पीछे है जी, ये तो दशमलव है। हाँ यही तो बेटा खेल है इस सवाल का, यही तो बेहतर पॉइंट है। हाँ मैं सिखा देता हूँ। अच्छा चलो आप यही नहीं कह रहे हो, ऐसे है ना?
आप करिए, सारे बच्चे करिए। देखो बेटा जो दशमलव है मैंने कहा था आप सभी को एक सीध में रखना, जीरो लग जाएगी ना। हाँ तो एक सीध में रखिए सबसे पहली बात तो जब दशमलव को एक सीध में रखेंगे तो आप देखो यहाँ पे जीरो का स्थान खाली है, तो जब जीरो का स्थान खाली है बच्चों तो यहाँ पे एक जीरो आप अपने मन से बढ़ा दीजिए और अब इसको घटा दीजिए। अब समझ में आया योगिता के नाम से जो बच्चा या बच्ची है? यस सर जी आ गया। चलो बेटा ठीक है चलो करो इसको। मैं अभी के लिए मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चलो बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया। बच्चों तीन लोगों का करेक्ट आंसर आया है और किसी का भी गलत नहीं आया है ना, तो अब तक तीन बच्चों का सही आंसर आया है, बाकी बच्चे भी बताइए। सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया सर, बच्चों भी पांच, कर दिया। यस पांच बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। सर मैंने भी कर गुड दिया। बेटा गुड, टोटल में पांच बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है टोटल में पांच बच्चों का करेक्ट आंसर है बच्चों, बहुत आसान था। यस 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 सर बिल्कुल इजी है। बेटा मैंने आपको बोला ना कि अभी आप चैट में आंसर करिएगा, चैट में आंसर कर दीजिएगा आप, तब तक बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो बेटा सिर्फ पांच बच्चों ने आंसर किया है, हालांकि पांचों बच्चों का करेक्ट है जो कि अच्छी बात है, तो और भी बच्चे रह जाते हैं जो आंसर करिए, जो बच्चे अभी भी रह जाते हैं आंसर करिए, और जिनके लिए पोल नहीं आ रहा है अभी आप चैट में आंसर करिएगा बेटा। बच्चों पोल को बंद किया जाए। यस सर कर दो बंद। बाकी लोग भी बताइए। कर दो सर। चलो बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप लोग इसको लिख सकते हो अपना आंसर, तो बच्चों ध्यान से देखना। दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे, जीरो में से आप एक घटा नहीं सकते हैं क्योंकि जीरो एक छोटी राशि है एक बड़ी राशि है, तो आप नहीं घटा सकते हो, तो आपको हासिल लेना पड़ेगा, आपको कैरी लेना पड़ेगा चार में से, तो जब चार एक कैरी देगा तो ये जीरो से हो जाएगा दस, और दस में से बेटा एक को घटा दीजिए, दस में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा नाइन आएगा, ठीक। अब ये हासिल देने की वजह से चार नहीं रह गया बेटा, अब ये तीन हो गया, तीन में से आठ को घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए क्या करेंगे फिर से कैरी लेंगे, तो दो इसको कैरी देगा तो तीन से ये तेरह हो जाएगा, तो तेरह में से आठ जाएगा, तो आठ और पांच तेरह यानी कि पांच आएगा ना बेटा, तेरह में से आठ जाता है तो पांच आता है। अब दशमलव को एक सीध में लिखना है तो लिख दीजिए, फिर बेटा यहाँ पे हासिल देने की वजह से यह दो नहीं है अब यह एक है, एक होने की वजह से नहीं घट पाएगा इसीलिए फिर से एक हासिल लीजिए इसको, तो यह एक से मिल करके ग्यारह हो जाएगा और ग्यारह में से सात घट जाएगा, बेटा ग्यारह में से सात घटेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको चार लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये आठ नहीं है हासिल देने की वजह से, अब ये सात है तो यहाँ पे सात लिख दीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 74.59 यानी कि सी वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी बताएंगे। यस सर। यस सर। बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैच को आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। यस सर।
चलो बेटा ये देखो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इस सवाल को पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है बेटा, इस सवाल को मैं समझा देता हूँ। सर समझा हाँ, मैं समझा देता हूँ। दरअसल है क्या, देखो बेटा रमेश नाम का एक बच्चा है ना, रमेश नाम का एक बच्चा यह घर से, है ना, यह घर से झोला लेकर के निकला, ठीक है, यह घर से झोला लेकर के निकला मार्केट करने के लिए। तो इसने 7.75 रुपए का आलू खरीदा, 7.75 रुपए का बेटा आलू खरीदा इसने, 4.50 रुपए का गोभी खरीदा, ठीक है, ये मार्केट करने निकला हुआ है और ये गोभी भी खरीद लिया, और 0.25 रुपए की धनिया खरीद ली इसने। ठीक है, धनिया भी खरीद ली। तो आपसे बोल रहा है कि यदि वह घर से कुल 15 रुपए लेकर के निकला था, बेटा ये बोल रहा है कि मैं जो है घर से टोटल में 15 रुपए लेकर के निकला था। मान लेते हैं एक 10 का नोट रहा होगा और बेटा एक 5 रुपए का नोट रहा होगा, ठीक बेटा, माइक मत ऑन करो। 10 और 5 15, यानी कि टोटल 15 रुपए ये लेकर के निकला घर से। अब आपको ये बताना है कि बताओ अगर इस तरीके से खरीदारी कर ली, है ना, इस तरीके से खरीदारी कर ली तो अब इसकी जेब में कितने रुपए बचे होंगे खरीदारी करने के बाद इन 15 रुपयों में से। क्या आपको सवाल, सर इसको माइनस, सर इसको माइनस करना है प्लस? तो बेटा इसको दोनों करना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। जो खर्चा हुआ उसको, सुनो सुनो मैं सिखा देता हूँ, जो खर्चा हुआ है उसको आप प्लस करना। देखो ये जो आलू गोभी धनिया लिया है ना इस लड़के ने, इसको आप प्लस करना, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 15 में से घटा देना। क्यों? क्योंकि हमें बचे हुए रुपए निकालने हैं, तो उतना रुपए तो खत्म हो जाएगा जोड़ने पे, अब उतना घटा दोगे तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो तुमको दिखने लगेगा। समझ में आया आपकी नहीं आया? ये पहले प्लस करना है ना? हाँ बेटा पहले इसको प्लस करना है, ठीक है। सर जी कर दिया। ओके बेटा ओके, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। दो बच्चों का करेक्ट है। सर अभी पोल मत बंद करना, मैं सॉल्व कर रही हूँ। हाँ एकदम एकदम, मैं अभी पोल नहीं बंद करूंगा, आप आराम से सॉल्व करिए, आराम से 2 मिनट 3 मिनट जितना टाइम ले सकते हैं ले लेकर के सॉल्व करिए। बाकी लोग बताएंगे। तो बच्चे 3 लोगों का सही है और एक बच्चे का गलत है, सही एक बच्चे का गलत है। बच्चों बाकी लोग भी बताइए। हो गया सर। ओके ओके, सर कितने बच्चों का सही और गलत है, कितने बच्चों का?
बेटा तीन बच्चों का सही है और तीन ही बच्चों का गलत हो गया। अब देखो चार ओके बच्चे हैं सर। है ना, अब चार बच्चे हो गए, चार बच्चों का सही है। तो बच्चों क्या मैं अब पोल को बंद करूं? यस सर जी कर बाकी दो। हाँ बाकी लोग भी कंफर्म कर दो जल्दी से। ओके कर दो। बेटा अब देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। आपको इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ देना, तो पांच और पांच मिलकर के 10 हो जाएगा, तो शून्य लिखेंगे, हासिल एक बचेगा। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 बेटा 15, 15 को 5 लिखेंगे, हासिल एक होगा। 7 और 4 11, और 11 और 1 12। तो बेटा उसने 12.5 यानी 12 रुपए 50 पैसे की खरीदारी कर ली उसने, और टोटल उसके पास 15 रुपए थे। तो बच्चा 15 में से आपको 12.50 रुपए घटा देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 0 में से 0 घटाओगे, और फिर ये 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, फिर ये 5 से बेटा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 1 में से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये 2.5, यानी कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। उसकी जेब में बेटा 2.5 रुपए बचे होंगे खरीदारी करने के बाद। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर ओके यस बेटा, तो ये सर क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। चलिए।